मैं चंदन रस। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका इनिमा है और उसके टाइप्स के बारे में। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आप बीएससी नर्सिंग जीएनएम में भी कर ही रहे हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस के क्लासेस में मैंने इनिमा से क्वेश्चन करवाए थे, तो आज मैं टोटल आपको डीपली बताऊंगा कि इनिमा होता क्या है, यूजेज क्या है, कंट्रा इंडिकेशन किस किस चीज में हम इनिमा नहीं देते हैं, उन सभी के बारे में हम बताएंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस इनिमा से नहीं छूटेगा। तो चलिए यहां पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इनिमा होता क्या है। इनिमा या एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि आपके रेक्टम रोट में इसको दिया जाता है ताकि किसी को अगर कंस्टिपेशन वगैरह है, हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, स्पाज्म है, जिसके कारण से उनका जो बोवल मूवमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो वैसे में ये इनिमा दिया जाता है। जैसे यहां पर बोला गया है कि इनिमा इज डिफाइंड एज इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द रेक्टम। यह क्या है बाबू, यह रेक्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है फ्लूइड को। यहां आप क्लियरली समझ सकते हैं, बोला गया एन इनिमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बॉबल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ क्लीजिंग, मेडिसिनल, डायग्नोस्टिक और सच अदर पर्पसेज। बोला गया कि बाबू जो इनिमा है या एक प्रकार का फ्लूइड है जिसको आपके लोअर पार्ट रेक्टम में इंजेक्ट किया जाता है, कौन कौन पर्पस के लिए बाबू आपके लिए, तो ये आपके क्लीजिंग के लिए। जो मैंने बताया वैसे पर्सन जिनका स्टूल है ये हार्ड पास हो रहे हैं तो उनके लिए, दूसरा मेडिसिनल पर्पस के रूप में, अगर किसी को एंटी हेलमेंथ जैसे वार्म्स हो गए, छोटे छोटे कीड़े हो गए, ये सभी आपके लोअर ट्रैक्ट में इंफेक्शन में हो जाता है, तो उस टाइम में क्या किया जाता है, मेडिसिनल दिए जाते हैं जिनको हम आगे में बताएंगे, उनको हम एंटी हेलमेंथिक इनिमा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे जो इनिमा है वो मेडिसिन के लिए दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को फीवर वगैरह है और वो हट नहीं रहा है तो उसके लिए हम लोग कूल इनिमा देते हैं। तो सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। और बोला गया डायग्नोस्टिक और सच अदर पर्पस। डायग्नोसिस करने का मतलब कि बहुत सारे में जब एक्सरे के ड्यूरेशन में भी क्या किया जाता है, वो बैरियम डाला जाता है। बैरियम इनिमा क्या है, उन सभी के बारे में आगे में जानना है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि इनिमा एक प्रकार का फ्लूइड है जो आपके लोअर जो बोवल्स है यानी रेक्टम है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या चीज के लिए, डायग्नोसिस के पर्पस से, मेडिसिन के पर्पस से और अदर पर्पस से इसको यूज किए जाते हैं। बात करते हैं यहां पर यूजेज ऑफ इनिमा के बारे में। तो सबसे पहला बोला गया टू रिमूव फिकल मैटर, जो फिकल मैटर है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा फ्लक्चुएंसी है, जो आपका मूवमेंट है पासेज होने का, उसमें अगर कोई दिक्कत है उसे रिलीफ करवाने के लिए यूज किया जाता है। प्लस कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जो कि मैंने आपको डिफिनेशन में ही बताया हूं। और फिर बोला गया टू प्रिवेंट इनवॉलेंट्री डिफेक्शन ड्यूरिंग द सर्जरी, अगर सर्जरी के कारण के टाइम में कोई भी इनवॉलेंट्री डिफिकेशन वगैरह है तो उस चीज को स्टॉप करने के लिए। टू रिड्यूस टेम्परेचर, अब यहां पे याद रखना है कि टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड इनिमा दिया जाता है। डायरिया ये सबको चेक करने के लिए जो स्टार्च ओपियम इनिमा है जिसको दिया जाता है। और बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि बैरियम इनिमा है, इन सभी को दिया जाता है। और अगर आगे यूजेस के बारे में बात किया जाए कि और क्या क्या करते हैं अदर इनिमा के यूजेस के बारे में, इसको हम लोग एनेस्थेसिया के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, एनेस्थेटिक एनीमिया के नाम से, इनिमा के नाम से जानते हैं। ये आपके मेडिकेशन के लिए, ये आपके इंटेस्टिनल पैरासाइट जिसको हम लोग एंथेलमेंटिक इनिमा के नाम से जानते हैं, और फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स के लिए, प्लस इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये सभी आपके यूज है इनिमा का। अब फ्रेंड्स यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए
कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, या फिर इससे पहले हम बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि कौन कंडीशन में हम लोग क्या है बाबू आपके एनीमा है उसको हम नहीं देते हैं। सबसे पहला एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो या फिर कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में हम एनीमा नहीं देते हैं। अगर उसको एक्यूट रीनल फेल्यूर है तो उस कंडीशन में भी हम एनीमा नहीं देते हैं। अगर उसको अपेंडिसाइटिस है तो उस कंडीशन में भी हम एनीमा नहीं देते हैं। और अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेट्रिकल या फिर गायनोकोलॉजिकल कोई भी कंट्रा इंडिकेशन है तो उस कंडीशन में भी हम एनीमा नहीं देते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनीमा का क्लासिफिकेशन, तो इसको पहले आराम से समझिएगा कि एनीमा को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोला गया है नॉन रिटेंटिव, जिसको स्पेलिंग एक्सपेलिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है रिटेंटिव, यानी उसको नॉन एक्सपेलिंग के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कि एनीमा जो नॉन रिटेंटिव एनीमा है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक को बोलते हैं लार्ज और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल। अगर बात किया गया लार्ज के बारे में तो लार्ज के अंदर में पूरा गेटिव्स आते हैं, क्लीजिंग आते हैं, कार्मिनेटिव आते हैं एंड डायग्नोस्टिक एनीमा, ये सभी सब टाइप्स है आपके नॉन रिटेंटिव एनीमा का। अगर बात किया जाता है पुरागेटिव्स में तो हम लोग सोप और वाटर एनीमा यूज करते हैं। क्लीजिंग में बात किया जाए तो आपका नॉर्मल स्लाइन और प्लेन वाटर यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं कार्मिनेटिव के बारे में तो टर्पेंटाइन और सोप सोल्यूशन, मिल्क एंड मोलासेस, ये सभी आपके कार्मिनेटिव में आते हैं। अगर बात किया जाए डायग्नोस्टिक के बारे में तो बैरियम सल्फेट एनीमा है, ये आपके डायग्नोस्टिक में आते हैं। अगर बात किया जाए स्मॉल नॉन रिटेंटिव एनीमा के बारे में तो इसके अंदर में भी पुरागेटिव्स आते हैं, एंथेलमेंटिक आते हैं और अस्टिंगेंट आते हैं। बात करते हैं यहां पे पुरागेटिव्स के अंदर में क्या आते हैं तो ग्लिसरीन आते हैं, ऑयल आते हैं, ऑयल कंपाउंड्स, ये सभी आपके पुरागेटिव्स के अंदर में आते हैं। बात करते हैं एंथेलमेंटिक के बारे में तो क्वासियाई और हाइपरटोनिक स्लाइन, ये दोनों आपके स्मॉल नॉन रिटेंटिव एनीमा के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात किया गया रिटेंटिव एनीमा के अंदर में न्यूट्रिएंट्स एनीमा, जो कि आपका नॉर्मल स्लाइन और ग्लूकोज 5% आता है। बात करते हैं इमोलिएंट के बारे में, जिसके अंदर में स्टार्च मोलिकल्स आते हैं। बात करते हैं स्टिमुलेंट के बारे में तो जो आपका कॉफी या फिर नॉर्मल स्लाइन एंड बाइनरी ग्लूकोज 5% ये आपके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में आपको हम एक एक करके बात करेंगे। यहां पर बस नाम बताया गया है, बस उस नाम को ध्यान में रखो। जब आप एक एक करके आप जानिएगा तो आप सभी जान जाइएगा कि पूरा गेटिव्स का क्या क्या यूज है, कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये ऑल टू ऑल आपको पता चल जाएंगे। बस शर्त एक है कि आपको लास्ट तक अच्छे से वीडियो को देखना है, और पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं वन बाई वन करके। करते हैं नंबर वन, जो कि आपका है सोप वाटर एनीमा। ये सोप वाटर एनीमा को हम लोग सलाइन एनीमा के नाम से जानते हैं। अब इसको सलाइन एनीमा क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल सलाइन जो कि आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड 1 टी स्पून आपके 1/2 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सोप वाटर एनीमा को हम लोग सलाइन एनीमा के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कि इसको जब हम देते हैं तो एडल्ट में कितना देते हैं, एडल्ट में 500 ml से लेकर 1000 ml देते हैं, और चिल्ड्रेन में 250 से लेकर 500 ml देते हैं। और अगर बात किया जाए इन्फेंट्स के बारे में तो 250 ml या फिर उससे लेस दिया जाता है। तो ऑलवेज याद रखना है कि जो सोप वाटर एनीमा है उसको हम लोग सलाइन एनीमा के नाम से जानते हैं। एडल्ट में 500 से 1000 ml देंगे, और अगर उससे चाइल्ड है तो 250 से लेकर 500 ml देंगे, और अगर इन्फेंट्स है तो इसको 250 से भी कम देना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अदर एनीमा के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल एनीमा के बारे में कि ये ऑयल एनीमा है क्या। ऑयल एनीमा इट इज गिवन टू द सॉफ्टन द फिकल मैटर इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन।
बच्चों लोग ऐसे भी याद रखोगे कि ऑयल क्या होता है, फिसलदार होते हैं, फिसल जाते हैं, तो इसका यूज किया जाता है जैसे किन्हीं को कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास नहीं हो रहे सही से, हार्ड स्टूल पास हो रहे, उनको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में ऑयल इनिमा हम लोग देते हैं। ये क्या करता है, आपके हाफ आवर से लेकर वन आवर के अंदर में जो फिशेस हैं, जो स्टूल हैं, उसको क्या कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे और पर्सन को कोई भी पेन वगैरह फेल नहीं होगा। दिस सॉल्यूशन यूज्ड आर ऑलिव ऑयल, जनरली ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, 1:2 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड टू 115 to 175 ml। The temperature of solution is 100 degree Fahrenheit। बोला गया बच्चों लोग कि जो ऑयल इनिमा है, जनरली अगर माना जाए तो कस्टर्ड ऑयल होते हैं, ऑलिव ऑयल होते हैं, और ये 1:2 में रहता है। अगर बोला जाए कि अगर ये जो वाटर है, अगर ये आपका, अगर ऑयल है ये आपका 100 ml है, तो इसका कितना हो जाएगा वो वाटर का, तो ये आपके 200 ml हो जाएंगे। ऐसे 1:2 में रहते हैं। और अगर बोला जाए कि ये रेडी किया जाता है 150 ml और 175 ml, और इसका जो टेम्परेचर होता है इस सॉल्यूशन का, वो 100 degree Fahrenheit होते हैं। तो इस सभी चीज को, मेन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है इनिमा के बारे में, कि ये कार्मिनेटिव इनिमा होता क्या है। तो सबसे पहले बोला गया कार्मिनेटिव इनिमा, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी स्पाज्मोडिक इनिमा। इसको एंटी स्पाज्मोडिक इनिमा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ड से ही पता चल रहा है, एंटी यानी रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, और स्पाज्मोडिक यानी क्या हो गया बाबू, स्पाज्म करना, तो इससे अगर प्रिवेंट करता है तो वैसे इनिमा को कार्मिनेटिव इनिमा के नाम से जाना जाता है। इट इज गिवन टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस एंड एक्सपल्शन ऑफ द फ्लटस। बोला गया कि जब किसी पर्सन को गैसियस एक्सटेंशन है, गैस पासेस वगैरह होते हैं, पेन बहुत ज्यादा होता है, एब्डोमेन पूरा फुले फुले है गैस के कारण से, तो वैसे पर्सन में कार्मिनेटिव इनिमा दिया जाता है। इसको एंटी स्पाज्मोडिक इनिमा के भी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अगर जो अब बात किया जाए नेक्स्ट इनिमा के बारे में, वो आपका है एंटी हेलमेंथिक इनिमा। अब ये होता क्या है, इट इज गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड द एक्सपेल वॉर्म फ्रॉम द इंटेस्टाइनल क्लीजिंग इनिमा मस्ट बी गिवन प्रियर टू द एंटी हेलमेंथिक इनिमा सो दैट द ड्रग्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वॉर्म्स एंड द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। बोला गया बच्चों लोग, नाम से ही पता चल रहा है, एंटी यानी स्टॉप, रोकना, और बात करते हैं हेलमेंटिक, जो भी वॉर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पेट में कीड़ा हो जाना, छोटे छोटे जो वॉर्म्स हो जाते हैं, तो अगर इंटेस्टाइनल लाइनिंग में है, वो आपके स्पिंचर को ब्लॉक किए हुए हैं या फिर लोज कर दिए हैं, तो वैसे में इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम लोग देते हैं उसको एंटी एलहेमेंटिक एनिमा के नाम से जानते हैं। वो क्या करते हैं, उसको किल करने का काम करता है। बोला गया द सॉल्यूशन यूज्ड टू इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया 50 ग्राम। मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि जो एंटी हेलमेंटिक है उसके अंदर में क्वासिया आता है, जो कि 50 ग्राम आपके 600 ml ऑफ वाटर में देकर तैयार किया जाता है। अगर बात किया जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड 60 ml विद द 600 ml, और या तो आप क्या कर लो बच्चा, क्वासिया 50 ग्राम को 600 ml में उसको डिजोल्व कर लो, या फिर आप जो क्या है हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का 60 ml उसको 600 ml में उसको डिजोल्व कर लेंगे, तो आपका एंटी हेलमेंटिक इनिमा क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। एक चीज जरूर आप भूल गए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, क्योंकि हमारे इसी चैनल medicalnursing.2.0 पे
हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं आपके ऑल टू ऑल एग्जाम से रिलेटेड, जो भी वैकेंसी आते हैं उसका ऑल टू ऑल अपडेट, ये सब थ्योरी टोटल हमारे इस चैनल पे मिलते हैं। तो प्लीज आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं कोल्ड इनिमा के बारे में, कि ये सर कोल्ड इनिमा होता क्या है, कि जो कोल्ड इनिमा को आइस वाटर इनिमा के भी नाम से जानते हैं, ये गिवन दिया जाता है कि जब बॉडी टेम्परेचर किसी का हाई रहता है, हाइपरपायरेक्सिया है या फिर हीट स्ट्रोक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं बाबू, कोल्ड इनिमा देते हैं, कोल्ड इनिमा, जिसको आइस वाटर इनिमा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिमा के बारे में जाने, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये जरूरी है कि मेथड क्या क्या है इनिमा देने का। तो सबसे पहले बात किया जाता है कि इनिमा कैन एंड ट्यूब मेथड, बोला गया कि इनिमा कैन और ट्यूब मेथड के द्वारा दे सकते हैं। इसमें व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर टू बी गिवन, दिस मेथड इज यूज सोप एंड वाटर इनिमा। जो आपके इनिमा कैन और ये जो आपका ट्यूब मेथड है, अगर लार्ज अमाउंट में इनिमा देना रहता हो, यानी कोल्ड इनिमा है अगर ये देना रहता हो या फिर सोप इनिमा है, तो ये दोनों को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिमा के या फिर ट्यूब मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात क्या गया, फैनल एंड कैथेटर मेथड। कि ये फैनल और कैथेटर मेथड क्या है बच्चों लोग, कि व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन, दिस मेथड इज कॉल्ड, आपको बोलते हैं फैनल और कैथेटर मेथड के नाम से जाना जाता है। कि अगर किसी पर्सन को बहुत कम अमाउंट में अगर इनिमा देना है तो उसको हम क्या करते हैं, फैनल कैथेटर मेथड के द्वारा देते हैं, जिसको हम एग्जांपल में क्या बोला जाएगा, ऑयल इनिमा है, उसको हम लोग फैनल कैथेटर मेथड, ये दोनों के मात्रा से देते हैं। बात करते हैं ग्लिसरीन सिरिंज और कैथेटर मेथड के बारे में, कि इससे भी वही है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में देना है तो हम लोग इस चीज को देते हैं, तो इसमें क्या आते हैं बाबू, प्यूरागेटिव आते हैं, क्या आते हैं, प्यूरागेटिव इनिमा दिए जाते हैं। बात करते हैं रेक्टल ड्रिप इनिमा के बारे में, कि व्हेन द फ्लूइड इज टू बी एडमिनिस्टर्ड वेरी स्लोली इन अंदर टू एड इट्स एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इनिमा। बोला गया कि अगर किसी रेक्टल ड्रिप मेथड में क्या होता है, अगर किसी को न्यूट्रिशन वगैरह देना हो तो उस कंडीशन में बहुत स्लो देना पड़ता है, ताकि जो आपका जो न्यूट्रिएंट, जैसे न्यूट्रिएंट इनिमा दिया जाता है, ये आपके स्लो दिए जाते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके, क्या कर सकते बच्चे लोग, एब्जॉर्ब कर सके। तो इस मेथड को रेक्टल ड्रिप मेथड के नाम से जानते हैं। एक बार ओवरव्यू समझ लीजिएगा कि इनिमा केन एंड ट्यूब मेथड, अगर लार्ज अमाउंट में इनिमा देना है तब हम इस चीज को यूज करते हैं, जो एग्जांपल में आपका दिया हुआ है सोप एंड वाटर इनिमा, और फैनल एंड कैथेटर के बारे में कि अगर स्मॉल अमाउंट में देना है तो हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, जो कि आपका ऑयल इनिमा एग्जांपल में आते हैं। अगर ग्लिसरीन सिरिंज या फिर कैथेटर ड्रिप के बारे में बात किया जाए, ये भी अगर स्मॉल अमाउंट में देना है, जिसके अंदर में क्या था, प्यूरागेटिव्स आते थे, और लास्टली जो मैंने बताया रेक्टल ड्रिप के बारे में, कि अगर किसी को न्यूट्रिशनल इनिमा देना है तो उसको एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत पड़ेंगे, तो इसलिए इसमें स्लो स्लो दिए जाते हैं। तो ये आपके चार मेथड को याद रखना है, और कौन सा इनिमा कौन से मेथड के द्वारा दिया जाता है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यही सब आते हैं कि हम सोप इनिमा कौन से मेथड से देते हैं, तो ये आपके इनिमा केन और ट्यूब मेथड के द्वारा दिया जाता है। तो आपको मेथड जान लिए तो हम लोग को कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगा इनिमा देने के लिए। तो सबसे पहला एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग ले लेना है, इनिमा कैंस, रबर ट्यूबिंग, ग्लास कनेक्शन, स्क्रब, ये सभी जो भी आपको देना है, कौन सा इनिमा है उसको आप ले लीजिए। मैकिंग टॉस और टॉवल को ले लेना है, रेक्टल ट्यूब एंड रेक्टल कैथेटर, ये सभी को ले लेना है किडनी ट्रे में, ताकि आपको उसमें रेक्टम में इन करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
वैसलीन ले लीजिए ताकि क्या रहे बाबू मोस्ट जो और इजिली से ट्यूब वगैरह जा सके। पिंट मेजर ले लीजिए, सोप जेली एक बोतल में ले लीजिए, आईवी स्टैंड ले लीजिए क्योंकि उसको लगाकर अगर ज्यादा अमाउंट में देना रहता है तो आईवी फ्लूइड वाले स्टैंड में लगा दिए जाते हैं। ऐसे आपके आईवी फ्लूइड स्टैंड में ऐसे टांगा हुआ रहता है और ये ऐसे जाके जो पेशेंट यहाँ पे लेटे हुए हैं इनको इस तरह से लगाया जाता है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। सेकंड आपका टॉयलेट ट्रे, बेड पैन, क्लीनिंग लिनन, बाथ थर्मोमीटर, ये सभी आपको इक्विपमेंट्स जब आप इनिमा दीजिएगा तो आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो चलो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने इनिमा के बारे में जान लिए, उसके टाइप्स के बारे में जान लिए, कौन कहां पर यूज होता है उसके बारे में भी जान लिए, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को इनिमा दिए हैं तो उसको देने के बाद में क्या क्या केयर किया जाता है, उन सभी चीज के बारे में जानना है। सबसे पहला, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू होल्ड सॉल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट, कि जो पेशेंट है उनको बताना है कि इस सॉल्यूशन को कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको रखना है। फिर बोला गया डिस्कार्ड रैग पीस इन के बेसिन, डिटैच रेक्टल ट्यूब एंड प्लेस इन द सेम के बेसिन, कि अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो के बेसिन होते हैं उसमें आपको डिस्कार्ड करना है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज सुपाइन एंड असिस्ट टू टॉयलेट और प्रोवाइड ए बेड पैन, बोला गया कि अगर जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना है और अगर उसको टॉयलेट ये सब के लिए अगर असिस्ट करते हैं तो उनको बेड पैन देना है, बेड पैन दे के उनको करवाना है। सेकंड बोला गया थर्ड नंबर में फोर्थ में कि असिस्ट पेशेंट टू वॉश पेरिनियल एयर इफ नॉट एबल टू डू दिस, बोला गया कि उसके जो पेरिनियल लेयर है, एरिया है, उसको वॉश करने के लिए बोलना है। रिमूव द आर्टिकल्स अंटिल रूम क्लीन एंड रिप्लेस इट, क्या बोला गया कि जो भी रूम वगैरह में जो आर्टिकल्स वगैरह जो भी आप यूज किया उसको रिमूव करना है, क्लीन करना है, उसको रिप्लेस करके रख देना है। कीप द पेशेंट ड्राई एंड कंफर्टेबल, और पेशेंट को क्या रखना है, ड्राई रखना है, गीला गीला उनको नहीं रखना है, और वॉश हैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्स रिकॉर्ड, और जो आपके रिकॉर्ड है होते हैं उनमें इनको मेंशन करना है ताकि कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। तो ये सभी मैंने आपको बताया इनिमा के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वेल आइकन को ऑन कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।